हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अमनचेस वीडियोस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फ्रेड एफ फॉल्स वर्सेस लैंग के एक बेहतरीन गेम दिखाऊंगा, जो कि दोस्तों न्यूजीलैंड में 1956 में खेली गई थी। एंड दोस्तों, यहाँ पर वाइट से खेल रहे हैं फ्रेड एफ फॉल्स, एंड दोस्तों यहाँ पर ब्लैक से खेल रहे हैं लैंग। तो दोस्तों, ये जो गेम है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड आइए वीडियो को चालू करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसी चेस से रिलेटेड मोर वीडियोस के लिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। नाउ दोस्तों, यहाँ पर वाइट ने स्टार्टिंग करी e4 से, जो कि माना जाता है किंग्स पोन ओपनिंग। एंड दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक ने रिप्लाई दिया e6, नाउ d4, d5। अब दोस्तों, यहाँ पर वाइट ने और दोस्तों ब्लैक ने दोनों ने यहाँ पर सेंटर पोन को मूव कराया। नाउ गेम में क्या हुआ, गेम में खेला गया e5, नाउ c5। पोन कैप्चर करने के लिए यहाँ पर ब्लैक ने भेजा, पर दोस्तों गेम में क्या हुआ, c3 खेला गया। नाउ नाइट c6 एंड नाउ नाइट f3। नाउ दोस्तों, पोन पर ही डिफेंड है, तो दोस्तों इसलिए गेम में क्या हुआ, गेम में खेला गया क्वीन b6, बिशप d3। नाउ दोस्तों, कैसलिंग करने की सोच रहे हैं दोस्तों वाइट। एंड नाउ पोन टेक्स ऑन d4, नाउ पोन टेक्स ऑन d4, बिशप d7। नाउ यहाँ पर ब्लैक वाइट ने कर दिया शॉर्ट कैसल। नाउ नाइट टेक्स ऑन d4, नाइट टेक्स ऑन d4, क्वीन टेक्स ऑन d4। अब दोस्तों, इस पॉन पर भी अटैक है। यहाँ पर गेम में क्या हुआ, गेम में नाइट c3 खेला गया। बट दोस्तों, अपन यहाँ पर रुक से भी पॉन को बचा सकते थे। बट दोस्तों, गेम में क्या हुआ, गेम में खेला गया नाइट c3, नाउ क्वीन टेक्स ऑन e5, रुक e1 एंड नाउ क्वीन d6 गेम में खेला गया। नाउ दोस्तों, अब गेम में क्या हुआ, गेम में खेला गया नाइट b5। एंड यहाँ पर अपन बिशप से भी कैप्चर कर सकते हैं, बट गेम में कैप्चर ही करा गया। एंड नाउ बिशप टेक्स ऑन b5 चेक। और दोस्तों, किंग को यहाँ पर मूव यहाँ नहीं किया गया, क्योंकि तो दोस्तों यहाँ क्या है कि दोस्तों क्वीन सामने आ रही है, तो दोस्तों कहीं वाइट का बिशप सामने ना लग जाए। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर गेम में क्या हुआ, गेम में किंग d8 खेला गया। नाउ बिशप e3 और नाउ नाइट e7 गेम में खेला गया। नाउ रुक c1 एंड दोस्तों गेम में क्या हुआ, गेम में नाइट f5 खेला गया ताकि बिशप पर अटैक। बट बिशप c5 गेम में खेला गया क्वीन पर अटैक। नाउ क्वीन f4 गेम में खेला गया। दोस्तों f4 का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर किसी तरह इन पोन को मूव करके या फिर किसी तरह यहाँ पर वाइट को अटैक करना। बट गेम में क्या हुआ, g3 खेला गया क्वीन पर अटैक, क्वीन g5, नाउ क्वीन टेक्स ऑन d5 यहाँ पर सेक्रीफाइस दिया वाइट ने। एंड दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सेक्रीफाइस है। अब दोस्तों, अपन यहाँ पर सोच रहे हैं कि दोस्तों अगर अपन ये रुक को खेलते हैं देन किंग मूव हो जाएगा यहाँ पर। बट दोस्तों, गेम में क्या हुआ, गेम में खेला गया पहले यहाँ से बिशप का सेक्रीफाइस, b6 चेक, नाउ पॉन टेक्स ऑन b6 एंड नाउ अब जाके दोस्तों रुक e8 इज़ अ चेकमेट। तो दोस्तों यहाँ पर पहले यहाँ पर दोस्तों बिशप को यहाँ से हटाया गया। एंड दोस्तों, इस पोजीशन में किंग मूव नहीं हो सकता कहीं पर भी, इसलिए दोस्तों कैप्चर करना पड़ेगा। कैप्चर करते ही दोस्तों यहाँ पर जैकमेट हो गई। तो दोस्तों, आई होप मेरी गेम और ये वीडियो दोनों ही आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।